वेलकम बैक। और कुछ बोलूं? नहीं बोलूं कि ना बोलूं? आप सब खड़े हैं, इनको आप जानते हैं कि नहीं? डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे शो के बड़े। आई लव यू, तूने इसको बुलवा के बड़ा अच्छा किया। आज तो बेटा ऑन एफ आई आर ना, आज यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का फड्डा होने वाला है, बल्कि रेसलिंग होने वाली है। आप छुरी दे दूं, डंडा दे दूं, उसकी वजूहत क्या होंगी भला? नहीं देखिए, ये खुर्रम साहब हैं और इनको इस साल का चैलेंज है। हाँ। अगर मैं मजीद, मतलब खूबसूरत तो मैं हूँ, अगर मैं मजीद खूबसूरत, यंग और मैं स्लिम एंड स्मार्ट हो गई तो क्रेडिट गोज टू डॉक्टर खुर्रम। और अगर नहीं, ये रोक दे, यही रोक दे प्लीज। आप लोग डंडे पत्थर गंदे टमाटर लेके याद रखिएगा कि सब इस पे बसाने और इसके क्लिनिक पे चलना, हमने मिलके हल्ला बोलना है। अब आप देखिए, अब आपके पीछे पड़ जाऊंगा। आज के बाद फ्राइडे को भी आप ये ऑमलेट वगैरह खा लें, अभी चल रहे हैं अभी से क्लिनिक, बिल्कुल जुमे से। और आप देखिए जितनी दिलकशी है उसको और बढ़ा, वो तो है नहीं, लेकिन लेकिन आज आप ऑमलेट कैसे अलाउ कर रहे हैं? बंद कर दें, देखिए रही अभी। अच्छा, तुम अपनी बचत नहीं होता ना, बचत से शुरू होता है ना, स्टार्ट आज के दिन से ही शुरू करें। तू बचत कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, आज खाना है, आज खोल के, दिल खोल के खाना है। और आप लोग मेरे साथ है ना, प्लीज खुर्रम को नहीं छोड़िएगा अगर मैं स्लिम ना हुई तो, ठीक है? ये इसको चैलेंज है, ये बहुत बातें करता है ना टीवी पे बैठ के। अब देखिए आप, जाहिर मैं कम होंगी तो आप दुनिया देखेंगे क्यों लगेगा, और उसके टोकन दे दिया और वीआईपी दोबारा से आप होंगे इंशाल्लाह, लेकिन मई में। लेकिन ये एक दूसरा मसला ये भी तो हो सकता है ना कि डॉक्टर साहब बेचारे, हो सकता है सारी अटेम्प्ट करें, उसके लिए जो हेल्प रिक्वायर्ड होगी आपकी तरफ से थोड़ी सी कॉपरेशन। हाँ, तावन तो बिल्कुल मुकम्मल तावन बस ठीक है, फिर ठीक है के साथ। और अगर अल्लाह की तरफ से ना हुआ तो ये मैं आके बोलूंगी भी, खुर्रम ने बहुत कोशिश की है, ये भी मैं बोलूंगी आके। अब तो शुरू है, अब तो शुरू है, अब आप आज से शुरू कर दे इंशाल्लाह। सही है इंशाल्लाह, मगर ये की खूबसूरती तो कोई जरूरत ही नहीं है माशाल्लाह। नहीं, नहीं, फिर भी और भी यार, और ज्यादा मतलब कम से कम 20-25 साल का कम। ये तो है, वो तो दो हफ्ते में देखेंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा। अच्छा बिल्कुल जी, अच्छा आज जो ये डिश बन रही है मेरा ख्याल है, ये देखिए ये वाली जो हरी सब्जियां, ये सब ये तो आप खूब खा सकती हैं। हाँ। और कभी कभी रोगन भी खा, आप कह रही है ना बिल्कुल डाइटिंग मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल कुछ भी, ये गलत है। ये सारी स्किन पे जो होता है ना कि वो आप थकन आ जाती है आपको, नहीं नहीं आई नहीं, बिल्कुल आई बिल्कुल नहीं, मगर आ जाती है, ठीक है। आपको रोगन भी खाना है, आपको चिकनाई भी खानी है, आपको दूध भी पीना है, ये जरूरी है, ठीक है। मेरी जान जो टूकेगा मैं वो करूं। पक्की बात, आज से शुरू करते हैं आप, देखिए आज से मैं और खुर्रम साथ साथ, डन 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 डन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए और आज से शुरू करते हैं, अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, बेहतरीन और अच्छे लग रहे हैं, और अच्छे लग रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा वैसी जनरली स्पीकिंग मतलब डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त किस्म के फॉर्मूलाज भी बताते हैं वेट लॉस के हवाले से, लेकिन इनकी सबसे बड़ी जंग जो हमने आमतौर पे इनके मुंह से सुनी है वो ये कहते हैं कि यार मतलब अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ तो उसके साथ आपने भी कुछ मेरे हेल्प करनी है। नहीं नहीं, 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 नहीं मैं टोटल अल्लाह खाजा नाजर जान के कह रही हूँ कि मैं हेल्प करूंगी। वैसे एक और मैं चैनल पे बैठी हुई थी, वहां पे डाइटिशियन आए हुए थे, बहुत दो तीन ऐसे चैनल पे बैठी हूँ, तो आप यकीन करें कि रास्ते में भी चलते हुए लोग रोक रोक के मुझसे पूछते हैं, या किसी फंक्शन में चली जाऊँ, यार आपने उनका डाइट प्लान फॉलो किया? लेकिन बात ये कि उनका डाइट प्लान मुझे मिला ही नहीं आज तक, तो अरे देखिए ये मिलेगा तो फॉलो करें। अच्छा बस मैं आपके लिए डाइट प्लान आज एक डेडिकेटेड करूंगा, पूरा डाइट प्लान आपको। हाँ, बड़ा जबरदस्त सा, ठीक है, तो उससे और बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं उसके अपने किचन में लगवा दूंगी और उसको कहूंगी बस बेटा फॉलो कर इसके ऊपर। अच्छा नाश्ता क्या करती है आप, नाश्ता किस तरह से होता है? नाश्ता करती हूँ मैं, दो बॉयल एग, एक की योग खाती हूँ, एक की नहीं खाती, और चाय पीती, बस ये मेरा नाश्ता। ये तो अच्छा नाश्ता, ये खूब का बनाई थी। कॉलर भी साथ है जी हमारे साथ, एक कॉलर उनसे बात करते हैं कराची से, समरीन। सलाम अलैकुम। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बंगल, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। और सबको सलाम, वालेकुम सलाम। हाँ कैसी हैं आप, इनसे बात की, बातचीत कीजिए जरा। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो तुम? जी ठीक है, आपके आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी कॉमेडी रोल करती है ना तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बेटा मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो जी, इतना प्यार देती है। जी आप कैसी हैं, आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं शामिल रहेंगी, जो हमें पसंद करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, तो अल्लाह ताला दुआएं सुनने वाला होता है, उनकी दुआएं कभी रायगा नहीं जाती, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें आपके काबिल इस रखा है कि हम आपके लिए काम करें, बस दुआएं जारी रखिएगा।
हाय ये खुरम को मारना फिर अगर मैं पसीना हुई तो क्या बिल्कुल सभी सभी क्या हाल है कैसी हो आप हेलो सलामकुम खुरम भाई जी सभी मैं कैसी तो आपकी रेगुलर कॉलर हो चुकी हूँ हाँ समीर पक्की कॉलर है समीर मेरे साथ है ना नहीं नहीं मेरे साथ दोनों के साथ है जी समीर बताओ अच्छा खुरम भाई जी आप बहुत जल्दी जल्दी बता दें आप मेरी आधी चीजें रहने देते मुझे वो बता दें आपने गार्ड पीने के लिए बताया था मुझे मैंने बताया था ना आपको कि मेरे पिंपल से चीजें निकलनी है हाँ। तो आपको ट्यूब भी बताई थी आपने कल सही लेकर आई हो आप ना हाँ, तो हाँ। भाई जेंटल माइसिन बताया था ना आपने तो निशानों की भी है निशान अच्छा नहीं अच्छा बिल्कुल सही सवाल है समीर का समझी और नहीं खुरम भाई मुझे आप बता दीजिए मुझे अभी लिखा दीजिए आपने वो बताया था ना गाजर धनिया पुदीना खीरा और एलोवेरा गुड़ ब्राउन शक्कर इन सब चीजों का एक दफा मुझे बता दीजिए कितनी कितनी मिकदार ये आपने कहा था आपको पीना है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल बता दीजिए मुझे अभी बता दीजिए अभी बताता हूँ समीर पहले पता है क्या करोगी दो दो छोटी वाली गाजरें ठीक है जी उनको अच्छी तरह से बिल्कुल चूरा करना ठीक है एक ग्लास पानी एक चम्मच गुड़ या ब्राउन शक्कर या शहद थोड़ा सा पुदीना ठीक है उसके अंदर चुटकी कलौंजी कलौंजी चुटकी एक चुटकी कलौंजी 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 चुटकी हाँ बिल्कुल एक चुटकी कलौंजी और उसके साथ ऐड करना थोड़ा सा कोशिश करना कि अगर केवड़ा भी मिल जाता है ना वो भी आप पियोगी तो उससे आपका रंग और निखरेगा हाय हाय भाई एक और बात पूछनी थी वो ना मैंने जब आपने बताया था ना ग्रीन टी मैंने बनाई ना हाँ। तो आपने कहा था कि ना 8 या 10 नींबू डालना है सही तो मैंने ना उसमें बड़े वाले नींबू थे ना वो 8 डाल दिए थे अब जो मेरे पिंपल्स हो रहे हैं तो वो निकल रहे हैं तो इससे कोई नुकसान तो नहीं बिल्कुल भी नहीं अच्छा एक काम और कर समीर आप दो टाइम ना वेलको डॉक्स WELL एक मिनट भाई जी WELL CODOX जी डी फॉर डॉल डी ओ एक्स फॉर ज़ाइलोफोन ठीक है और ये वाली सुबह शाम खाओगी गाजर वाला पीना है जेंटामाइसिन क्रीम लगाओगी और उसके साथ ऐड करो क्रीम सोल्कोसिरल SOLCOSURY थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी ब्रेक का भी टाइम आ गया ब्रेक पे जा रहे हैं और मीठे पराठे और डाइट चार्ट ही बता रहा हूँ बड़ा इसके बाद शुरू करना है ठीक है ठीक है फिर भी रहता है वेलकम बैक और यहाँ पे माशाल्लाह क्या मुर्गन पराठे होना चाहिए मुर्गन मजा है ना है ना हमारे वैसे कितनी रौनक है रौनक ये देखिए अगर अब यहाँ सूप बन रहा होता आप देखें तो क्या होता वैसे कंफर्म आज कोई और प्रोग्राम नहीं देख रहा होगा ये इसमें इतना हंगामा है ना हंगामा लड़ाइयां भी हो रही है और ऐलान भी हो चुके हैं कत्ले आम के डॉक्टर साहब एक कॉलर है उनसे पहले बात कर लें जी हेलो हेलो सलामकुम जी सलामकुम कैसे हैं डॉक्टर साहब जी बिल्कुल ठीक ठाक कौन बोल रही हैं मैं रुबीना बात कर रही हूँ कराची से डॉक्टर साहब वो जो आपने पेट पे लगाने वाली क्रीम बताई थी ना जी मिस रुबीना बिल्कुल जी उसमें कोलेजन इलास्टिक लोशन आपने बताया था वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है किसी फार्मेसी से भी नहीं मिल रहा है अरे, मैं आपको फौरन पता बता नहीं मिल रहा है वो बता दें मिस रुबीना कराची में आप कहाँ रहती हैं कराची में मैं गुलिस्ताने जौहर में गुलिस्ताने जौहर तो आप वहाँ से क्रिकेट स्टेडियम की तरफ चली जाए क्रिकेट नेशनल स्टेडियम की तरफ चली जाए पाकिस्तान के जो दो तीन बड़े स्टेडियम थे उनमें से एक की तरफ चले जाएं वहाँ इधर उधर नजरें घुमाएं कोई दुकानें नजर आएंगी हाँ मेडिकल स्टोर बहुत मेडिकल स्टोर नजर आएंगे हाँ वहाँ से जाके और उनसे कहें जी मुझे कॉस्मेटिक या तो देखिए चले कंपनी के नाम बताता हूँ फ्रीमेंस ठीक है सेंट आई या एक मिनट आप ऑन एयर बता देंगे ऑन एयर ऑन एयर बता ठीक है थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया कॉल करने का ऑन एयर बताता हूँ और आज हमारी प्यारी सी जबरदस्त गेस्ट है उनके लिए मैं बड़ा अच्छा डाइट चार्ट लेकर आया हूँ और आज मैं आपको जबरदस्ती ले जाऊंगा वो भी करना है देखिए पहले क्या करना है रुबीना सबसे इंपॉर्टेंट चीज रुबीना आपको क्या करना है कि स्टेडियम के पास जाए वहां 3-4 बड़े बड़े स्टोर है वहां पे जाके कॉलेजन इलास्टिक लोशन या तो फ्रीमेंस का ले लें ठीक है या सेंट आइव्स का ले लें या मेबेलिन का कोई सी भी कंपनी बड़ी सी बॉटल 200 से 250 से 300 रुपए तक आएगी ठीक है और ये खूब सारा क्रीम मिला के लगाना है ठीक है अच्छा आज बड़ा अच्छा डाइट चार्ट आपको बता रहा हूँ सबके लिए और बड़ा अच्छा है गुस्सा क्यों कर रही है खुश तो हो जाए आप इंशाल्लाह इसके साथ साथ बड़े सारे हमें डाइट चार्ट के लिए मैसेजेस आए हैं तस्बीहा ने किया है रोज रोजी ने किया है और शुएब ने किया है एंजल गैल ने किया है और अवेज ने किया है और इनोवेटिव माइंड ने किया है उमर ने किया है शीतल
टंडल ने किया है और सबने कहा है कि जी डाइट चार्ट और बड़ा पसंद किया। चंडीगढ़ से मैसेजेस आए, बॉम्बे से आए हैं, तो मैसेज पढ़ो ये मेरा है। अच्छा ये आज आपका जो है ये एक महीने के लिए आखिरी पराठा, आखिरी प्रॉमिस। और कल से आपको क्या करना है ये देखें, ठीक हाँ, है सुबह सवेरे आपको उठना है, जब आप उठेंगी तो एक ग्लास बड़ा सा नीम गर्म पानी, बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर दो चमचे इसबगोल की भूसी, बिल्कुल एक लीमू, बिल्कुल थोड़ा सा सफेद सिरका, बिल्कुल ठीक है, और कलौंजी और मुलैठी, ये आपको मुलैठी थोड़ी सी, ओके। ये बड़ा गोश्त को मतलब गोश्त को अच्छा खुशबू भी देती है, तो हम लोग खाते हैं तो इससे बड़ा सारा दिन अच्छा रहता है, ठीक है। पिसी हुई ये आप डाल के ये पियेंगे, इसके बाद कोई भी इबादत करना है एक्सरसाइज करना है वो हमारा हुआ, ठीक है। उसके बाद नाश्ता क्या करना है, जैसे आप करती हैं चाय पियेंगी, ठीक है, एक अंडा बॉइल्ड खाएंगे, कभी फ्राइड भी हो सकता है, कभी ऑमलेट भी हो सकता है, साथ में एक से दो पापे जो होते हैं, ऑमलेट तो ज्यादा बेहतर है जी, ऑमलेट ज्यादा ऑमलेट ही होता है, रोज नहीं मतलब चेंज होना चाहिए ना, और साथ में कोई अच्छा सा आजकल मौसम है सेब खा लें, आड़ू खा लें, मौसमी खा लें, अनार खा लें, कुछ भी चेंज कर करके, ठीक है, और साथ में थोड़ा कोशिश करें जैसे खीरे वो भी होने चाहिए, तो ये हमारा नाश्ता। हाँ खीरे मैं बहुत खाती हूँ, फिक्र नहीं करें, वेरी गुड। टमाटर भी जी। एक कॉलर है हमारे साथ कराची से, हेलो हेलो वाले वाले, नाम बताइएगा प्लीज। बारिया। डॉक्टर साहब से बात कीजिए जरा, डॉक्टर साहब जी साले के बारिया, कैसी आप भाई? कैसी आप? ठीक है जी। आपको हमारी गेस्ट कैसी लग रही है? एक तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा लूज है। अच्छा लूज हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा लूज है, आंखों पे जो है ना स्किन गिर रही है, आईज पर जो है ना बहुत ज्यादा, और झाइयां भी हो रही है, मेरे झाइयां भी बहुत ज्यादा है, और तीसरी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। अच्छा जिसम भरना चाहती हूँ, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, और सेकंड चीज ये कि मैंने आपकी दोनों तीनों क्रीमें जो ना यूज कर रही हूँ फेयर कलर के लिए, मैं फेयर तो हूँ बट मैं और फेयर होना चाहती हूँ, और फ्रेश हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है जी बारिया, तो मुझे जो ना ये तीनों प्रॉब्लम मुझे बता दें। बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, टाइटनिंग का मैं नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट बताता हूँ, ठीक है। पेपर पेन तैयार है आपका? जी, ये बंद कराएगा क्लिनिक सारे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी डॉक्टर साहब। जी अच्छा ये बड़ा बारिया बड़ा सिंपल सा, देखे क्या करना है बारिया, रोजाना रात को क्या करना है, एक ग्लास एक या एक छोटा प्याला, ठीक है, दूध का, फुल क्रीम दूध, ठीक है, इसके अंदर पिस्ता बादाम किशमिश कश्मीरी जाफरान थोड़ा सा केवड़ा और चांदी का वर्क। अच्छा और चांदी का वर्क, ये रोजाना आपको रात को कवर करके जाली से ऐसी जगह पे जहाँ पे जरा दलान में रख दे, जहाँ ओस आ रही हो जहाँ शबनम आ रही हो, ये आप रात भर रख दे, और सुबह को नहार मुंह ये खाएं, ये बारिया के लिए, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, बारिया के लिए, ठीक है। और एक चमचा सिरप पिएगी सुबह दोपहर रात, लाइसोवेट LYSOVIT लाइसोवेट, ठीक है। अच्छा और नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट बताता हूँ जिससे आपका चेहरा बड़ा जल्दी से सेट होना शुरू हो जाएगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले तकरीबन ये पूरे महीने की क्रीम होगी, 30 से 40 चेरीज, ठीक है, चेरीज जो आजकल आई हुई है या तो आप बाजार में मिल जाएंगी, ठीक है, ठेलों पे बहुत मिलती है, आराम से मिल रही है, या फिर आप क्या करें कैंड वाली, कैंड जो होती है चेरीज वो ले लें, उसके अंदर क्या करें आप तकरीबन 30 से 40 चेरीज, 3 चमचे शहद खालिस शहद, ठीक है, उसके साथ ऐड कीजिएगा एक बड़ा सा आड़ू, ठीक है, इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से बॉईल करके फेंट ले, ठीक है, साथ में रोज वाटर ऐड करें, 2 कप ग्लिसरीन ऐड कीजिएगा, 1 ग्लास लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये तमाम चीजें चूल्हे पर पकाएं, जब ये पकने लगे इसके अंदर एक क्रीम ऐड करनी है ट्रेटिनोइन, TRETINOIN, खूब स्किन टाइट करती है, यहाँ की झुर्रियां सब कुछ गायब हो, स्किन बिल्कुल साफ चिट्टा बिल्कुल, ये मिला के आपने फ्रिज में रख दी, रोजाना रात को हल्का सा पूरे चेहरे पे मसाज किया, लगा के सो गई, 3 टाइम लाइसोवेट रात को वो वाला बखाया, और देखिए कितनी जल्दी बारे आपका फर्क पड़ेगा। कंटिन्यू करना है, फिर हम आपकी ऑक्सीजन थेरेपी भी हम आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे, ऑफर करेंगे जो हमारा बड़ा फॉलो करेगा, फ्री ऑक्सीजन थेरेपी हम जॉक के थ्रू आपको करके दिखाएंगे। ये क्या नाम था फुरम, ये जो तुमने बताया ये क्या आईज के नीचे भी लगाया पूरे चेहरे पे आप लगा सकती है, यहाँ पे बिल्कुल जैसे यहाँ पे अक्सर जुड़ी अक्सर होता है ना कि हमने यू करके बिल्कुल आईज पे बहुत होती है, क्रॉस की ऐसा कब्बे बैठे थे सबसे ज्यादा क्योंकि आदमी यू करके देखता रहता ना जी, मैं तो हर वक्त यू रहती हूँ क्योंकि नजर कमजोर है, मैं यू करके पढ़ती हूँ, चश्मा तो लगाऊंगी नहीं इसलिए आंखें यूं। अरे तो आप नजर चश्मा लगाने की क्या जरूरत है, अगर आप रोजाना 1 ग्लास पानी में 1 चमचा शहद 2 चमचे पिसी हुई सौंफ मिश्री बादाम और उसके साथ 2 लौंगे ये रोजाना पी लें, चश्मा तो उतर जाएगा।
अरे माँ सदके जाए, मैं अभी लिखवाती हूँ ना, मैं अभी लिख कर दे रहा हूँ आपको, अभी लिख के दे रही हूँ जी। अच्छा ये तो नाश्ता हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आप 11 बज जाते हैं तो फिर भूख लगती है 11 12 बजे है ना, जी, तो आप क्या करेंगी इसमें, आप एक कप दूध लेंगी बगैर बलाई का, बलाई का ठीक है, उसके साथ आप कोशिश कर सकती है कि थोड़ा सा आप जैसे उबला हुआ आलू ले लें, कोई हर्ज नहीं है, तला हुआ नहीं, उबला हुआ, उबला हुआ ठीक है, और एक टमाटर या कोई एक टमाटर प्याज थोड़ा सा सिरका शिमला मिर्च सिरका ये डाल के खाएं, कच्ची प्याज बड़ा जबरदस्त है, और उसके बाद थोड़ा सा मुंह में सौंफ रख लें, इलायची रख लें, लौंग रख लें, ठीक है, कुछ भी करेगा हम कुछ भी करेगा कुछ भी करेगा ठीक है। डॉक्टर साहब जरा एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, मैं ब्रेक ले लें, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से हमें पसंद तो नहीं आ रही ब्रेक लेना, डिस्कशन तो अभी चलेगा लंबा, नथिंग टू वरी अबाउट, ब्रेक पे जाते हैं, जैसे ही वापस आते हैं पराठा मेरा यहाँ से किसी ने चोरी किया, उतर दिया पराठा, विल बी राइट बैक, विल बी राइट बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। खाना हमारा बिल्कुल तैयार है, पराठे तो खैर माशाल्लाह कोई बड़ी लोडेड किस्म के हैं, अल्लाह खैर करे, और होने चाहिए कौन खा के है ना, देखिए कभी कभी होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, जब मेरा डॉक्टर कह रहा है तो मैं क्यों ना करूं, बिल्कुल सही बात है, जो तू कहेगा वो वही होगा, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल, और होना चाहिए पता है, महीने में एक दिन अपने आप को पैम्पर करना चाहिए, बिल्कुल ट्रीट देना चाहिए, ये थोड़ी कि मुस्तकिल आप डाइटिंग कर रहे हैं, मैं ट्रीट दूंगी तुम दिया करना, तुम देगा मुझे ट्रीट महीने में एक दफा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा पता है एक क्रीम और आपको अच्छी सी बताओ, अगर आप डाइट चार्ट मेंटेन करेंगे और साथ में ये क्रीम भी लगा लेंगे ना, देखिए ये वाली क्या करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, खुद घर में बनानी है आपको, देखिए ये देखिए बहुत सारे विटामिन ई के कैप्सूल आपको आराम से बाजार में मिलते हैं, ठीक है, ये देखिए विटामिन ई के कैप्सूल, ठीक है, इसके अंदर आप डालेंगे देसी घी, ठीक है, विटामिन ई के कैप्सूल्स तकरीबन 30 से 40, ठीक है, 2 चम्मच देसी घी, ठीक है, और इसके साथ ऐड करना है तकरीबन ये देखिए ये वाला, ठीक है, क्या है ये देखिए, ये तस्वीर आ रही है हमारी फोकस, ठीक है, उसके साथ बहुत सारी क्वांटिटी में आपको मिलेगी बाजार से कोजिक एसिड क्रीम, ये तीनों मिला के आप अच्छी तरह मिक्स करके रख दें, और इसको जब भी बनाएं, इसके जब भी आप लगाने लगे थोड़ा ग्लिसरीन ऐड कर दें, पूरे चेहरे पे लगाएं तो आपका चेहरा यूं हो जाएगा। अच्छा मैंने समझे शायद कह रहा है यूं, नहीं यूं तो हो जाएगा, अल्लाह दिल तोड़ दिया खुरम, नहीं 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 वो तो आपका वाला तो होगा ना, ये देखें। अच्छा अच्छा हमारा दोपहर का खाना रह गया जो हम डाइट चार्ट का, हाँ, है ना, बड़ा जबरदस्त है डाइट चार्ट का, आपको क्या करना है दोपहर में, आप जो है दालें खाएंगे, मूंग की दाल खाएंगे, फुलके जो कहलाते हैं कि जो ब्राउन आटे की रोटी चोकर की जो सब गोल वाली रोटी होती है वो खाएंगे, ठीक है, साथ में आप थोड़े बहुत ब्राउन चावल भी खा सकते हैं, ठीक है, सलाद जरूर होनी चाहिए, ठीक है, कोई फल जरूर खाएं, और थोड़ा सा मीठा जरूर आप, जैसे खुबानियां आपने खा ली, ठीक है, थोड़ा शरीफे खा लिए, ये चीज जरूर होनी चाहिए, ठीक है, शाम की चाय जो है आप उसमें पापे खाएंगी, समोसे पकौड़े बर्गर पिज्जा, है ना, वो तो वैसे भी हैवी कर देता है, नहीं खाऊंगी, तुम फिक्र नहीं करो, पक्का, और रात में जब आप खाएंगी तो आप क्या करेंगी, जो आपके घर में खाना पकता है, रोटी जो अगर आप दो खाती हैं तो एक कर देंगी, ठीक है, रोटी सालन जैसे शलजम का सालन पकता है या आलू गोश्त पकता है बिल्कुल खाएंगी, थोड़ा सा बॉइल्ड टिक्का भी खाएंगी, ठीक है, बॉइल्ड या ग्रिल्ड टिक्का इस तरह की चीज, और रात को सोते हुए एक बड़ी सी कप आप अदरक की ग्रीन चाय, सब चाय मुझे फॉलो करना है, और आपको मैं टैबलेट भी लिख कर दूंगा, और बस आज से शुरू, इसके बाद अच्छा हमारे साथ एक कॉलर भी है, मिसेस आसिफ फ्रॉम इस्लामाबाद, डॉक्टर साहब जी आप जरूर कॉल कीजिए जी, हेलो हेलो जी, सलाम अलैकुम जी, आसिफ कैसे हैं आप जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं जी, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए जी, अल्लाह ताला आप सबको लंबी जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती और बहुत सारी खुशियां और खुशहालियां अता फरमाए, और हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बड़ा बहुत मुश्किल है कि आप जैसे इतने बड़े डॉक्टर को कांटेक्ट करना, एयर वाइज आपको इसका क्रेडिट जाता है कि हम आप जैसे लोगों से बात कर रहे हैं, आपकी बड़ी मोहब्बत और ये आपका बहुत बड़ापन है, कभी भी ऐसा मत सोचे, हमारा जो प्रोग्राम होता है पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया एक फैमिली की तरह होती है, और हमारे लिए खुशी का बायस है, कोई शिकायत है कोई नाराजगी, जैसे हमारी प्यारी सी कैसे कहा कोई बात, आप लड़े नाराज बिल्कुल आप पर, एक्चुअली मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि जो जिन लोगों का आप जिक्र करेंगे बड़े लोग आते हैं, हम उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम कम ही होता है क्योंकि वो लोग इतनी सुबह उठ के ये प्रोग्राम्स नहीं देखते, ये प्रोग्राम स्पेशली हम जो मेजोरिटी है उनके लिए ये बनाया गया है, और वो ही लोग इससे फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज बड़े लोग तो सो रहे होते हैं सर, और ये पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत है, ये डॉक्टर ये हमारे महबूब भाई की तबीयत खराब है लेकिन फिर भी वो ड्यूटी कर आए हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं, गॉड ब्लेस हिम एज वेल। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे प्लीज एक बात पूछनी थी कि ये
आपने ये जो बताया था क्यावा बनाने के लिए ना, वेट लूज करने के लिए ना, बिल्कुल, तो उसमें था कि ये डायलेट्स के नाम से आपने ये टैबलेट उसमें दी है, वो मैंने फेसबुक से डाउनलोड किया था ना, बिल्कुल, तो उसमें ये पूछना था कि ये जो बीटा कैरोटीन टैबलेट्स हैं वो और ये डायलेट्स एक ही चीज है या ये दो डिफरेंट चीजें? ये अलग चीज है, बीटा कैरोटीन भी है डायलेट्स में, मगर आप कोशिश करें कि एक टैबलेट आपको और मिलेगी, जैसे कि मैं बता देता हूँ, बीटेज, बीटेज के नाम से आपके लिए खास। फाइनली ये पूछना था कि यहाँ इस्लामाबाद में ना फ्रेश कड़ी पत्ता अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम खुश्क कड़ी पत्ता इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस्लामाबाद में फ्रेश कड़ी पत्ता मुश्किल से मिलेगा, बिल्कुल खुश कर सकते हैं आप, ठीक है, कड़ी पत्ता। और सब तीसरा क्वेश्चन प्लीज मेरा ये है कि मेरे नेल्स जो दोनों पाँव के हैं ना, उसमें फंगस हो गई है, एक तो काफी जो है ना वो अपने स्किन से हटा हुआ है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और उसमें बहुत पेन भी होती है, जी, वो अच्छा। व्हाइट कलर का हो गया है जी, और अच्छा। दूसरा जो है उसमें अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो येलो से कलर का उसमें जो है ना लाइट साइड पे आ रहा है ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल अच्छा। कितने दिन से हो गए मिसेज आसिफ ये आपके इस तरह का नेल? डॉक्टर साहब ये एक नेल में तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं, और यहाँ मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी गई थी, उन्होंने मुझे जो टैबलेट्स दी उससे मेरे जो है ना ये जिगर पे थोड़ा सा असर हो गया, तो अरे बिल्कुल मैं समझ गया, उन्होंने वो बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि उससे और कम होता है। अच्छा पहले काम तो एक करें, आप एक टैबलेट लिखें फौरन, आप रावलपिंडी से इस्लामाबाद से ले सकते हैं, कीटाकोनाजोल, के ई टी ए जी सी ओ जी डॉक्टर एन ए जेड वैली कीटाकोनाजोल 200 mg की हफ्ते में एक गोली खाएंगी आप, 8 टैबलेट खाएंगी यानी 2 माह तक खानी है, ठीक है? कितने माह तक डॉक्टर? 2 माह तक खानी है, हर हफ्ते एक, यानी जुमे के रोज आप खाना शुरू करें, हर जुमे को एक टैबलेट 200 एमजी की, जिगर को बिल्कुल खराब नहीं करेगा, आपके तमाम जो ब्राउन या येलो नाखून है वो भुरभुरे होकर घिस जाएंगे, और डे जो आएंगे व्हाइट बड़े शाइनी बड़े अच्छे आएंगे, ठीक है? अच्छा एक काम और कीजिएगा कि उसके ऊपर एक क्रीम लगाइएगा नेरेसोन सी, NERISON C, नेरेसोन सी, ठीक है? और रोजाना आप कोशिश करें कि कंडेंस मिल्क, आप थोड़ा सा एक चमच कंडेंस मिल्क उसके साथ आप पार्सली ये चबा के खाएं, ठीक है? तो आपकी विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी बिल्कुल गायब हो जाएगी और आपके नाखून बड़े हेल्दी हो जाएंगे। मैं इंशाल्लाह कल पिक्चर भी दिखा के नेल पे ही शुरू। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच।